हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मालवी जायका। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान तरीके से झटपट से बनने वाली सेव पापड़ी की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक थाली लेंगे और उसमें हम लेंगे एक बाउल मैदा और दो बड़ा चम्मच हम लेंगे सूजी, हाफ टेबल स्पून हम डाल देंगे अजवाइन, 1 टेबल स्पून नमक। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसका एक सख्त आटा तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने इसका एक सख्त आटा गूंथ लिया है। अब हम इसको 5 मिनट रेस्ट पे छोड़ देंगे ढककर। तो यहाँ हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसके 2 पेठे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैंने 2 पेठे बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम एक पेठा लेंगे और इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे हम बेल देंगे पतला पतला। तो यहाँ मैंने इसे पतला पतला बेल लिया है। अब हम एक फोक चम्मच से इसमें छोटे छोटे होल बना देंगे ताकि हम पूरियों को जब फ्राई करेंगे तो ये फूलेंगी नहीं बीच में से। अब हम इसे गोल कट करने के लिए एक ढक्कन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम इसे छोटी छोटी पूरियाँ कट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने सारी पूरियों को कट कर लिया है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पूरियाँ डाल देंगे और इन्हें अच्छे से गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ हमारी सारी पूरियाँ अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसका कलर भी गोल्डन आ चुका है। इसी तरीके से हम सारी पूरियों को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ मैंने सारी पूरियों को फ्राई कर लिया है। अब मैंने यहाँ 2 उबले हुए आलू को मैश कर लिया है। हम इसमें डालेंगे काला नमक, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे जीरा। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम पपड़ी लेंगे और इस पर हम आलू वाली स्टफिंग को रख देंगे और थोड़े थोड़े से हम रख देंगे प्याज और टमाटर। अब हम इसमें डाल देंगे हरी चटनी साथ ही हम डाल देंगे खट्टी मीठी इमली की चटनी। अब हम बारीक सेव डाल देंगे। अब हम इस पर डाल देंगे चाट मसाला और थोड़ा सा हम रेड चिली पाउडर डाल देंगे। तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी चटपटी सेव पापड़ी। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।